आइए मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से, जिन्हें इस चिकित्सा पद्धति के आविष्कार के लिए लगातार 2 बार एक्सीलेंस अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के एलर्जिक अस्थमा पर असर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, एलर्जी एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम जिसके कारण हम कई प्रकार से बॉडी में अलग अलग परेशानियों से जूझते हैं, जैसे कि एलर्जिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक टॉन्सिलाइटिस, एलर्जिक फेरेंजाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, और अंत में अगर सांस फूलने की तकलीफ हो तो एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा, एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें ब्रोंकल जो एयरवे पैसेज होता है वो उसमें इन्फ्लामेशन या सूजन के कारण जो एक्स्ट्रा म्यूकस का जो फॉर्मेशन होता है उसके कारण जो चोकिंग होने लग जाती है, तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। और कहीं ना कहीं इसको जब दूर करने की मामले में हम जब दवाइयों के ऊपर जाते हैं, तो अभी तक यही माना जाता है कि ब्रोंकोडायलेटर, एनी काइंड ऑफ आप पफ ले सकते हो, पंप ले सकते हो, इस तरीके से काफी सपोर्टिंग ट्रीटमेंट जो कि हम इसको ब्रोंकोडायलेटर के नाम से जानते हैं, कुछ समय के लिए टाइम बीइंग लेकर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, दुर्भाग्य इसी बात का है कि एलर्जी मैकेनिज्म बंद नहीं हो पाता और हमें इसकी आदत लगती जाती है, और इस कारण से ये बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं हो पाती है, और पेशेंट इसको ताउम्र एलर्जिक जो बहुत छोटी सी बीमारी है, अगर बॉडी में हिस्टामिन रिलीज हो रहा है तो आपको दबाने की जरूरत नहीं है, उसको उस पूरी प्रवृत्ति को ही बंद करने की जरूरत है। और वही सिस्टम जो अभी तक खींचते हुए पेशेंट्स को जो हम लोग ठीक कर रहे हैं, वही उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया। ऐसे काफी सारे दोस्तों पेशेंट हैं जिनके एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा या टॉन्सिलाइटिस जैसी बीमारियों के लिए जिसके लिए उन्हें ताउम्र स्टेरॉइड्स, ताउम्र एंटी इंफ्लेमेटरी, ताउम्र उन्हें एंटी हिस्टामिनिक, ताउम्र उन्हें ब्रोंकोडायलेटर की डिपेंडेंसी जो आ रही थी, और साथ में कई प्रकार के ऑपरेशन जैसे कि साइनोसाइटिस के पेशेंट, टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट जो कि ऑपरेशन की कंडीशंस में जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे काफी सारे पेशेंट्स को हम लोगों ने मॉडर्न होम्योपैथी के चिकित्सा विज्ञान से उन्हें पूरी तरीके से लाभान्वित किया, उन्हें पूरी तरीके से ठीक किया। इसका मतलब पहले दिन से आपका यह ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है जब इसका फायदा आपको मिलने लग जाता है। ऐसे काफी सारे पेशेंट जिसका हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री के रूप में भी आपको सबमिशन ऑलरेडी कर रखा है, उसमें कई पेशेंट ने अपनी ये बात बोली भी है कि उन्हें 1 महीने में जो चाइल्डहुड जो इतने समय से परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा था उसको उन्होंने काफी कंट्रोल भी कर लिया और पूरी तरीके से ठीक भी कर लिया। तो दोस्तों, 1 महीने के ट्रीटमेंट से अगर काफी सारे पेशेंट अगर एलर्जी से मुक्त हो सकते हैं तो ये दुनिया के लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है, क्योंकि मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम जो ऊपर से नहीं आपकी प्रॉब्लम्स को अंदर से सॉल्व करता है, पूरी तरीके से मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करता है और आपकी एलर्जी को जड़ से समाप्त करता है, बिना किसी परहेज का ट्रीटमेंट, बिना किसी साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट, बिना किसी दबाने वाला ट्रीटमेंट, किसी प्रकार का सप्रेशन ना करते हुए आप इस पूरी प्रवृत्ति को जड़ से समाप्त कीजिए, ताकि जीवन भर इसकी रिकरेंसी को रोक सके। और काफी सारे पेशेंट्स के नाम और नंबर के साथ आप उनकी कहानी पढ़ भी सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से एलर्जिक मेटाबॉलिज्म को मॉडर्न होम्योपैथी की चिकित्सा से सॉल्व किया, पूरी तरीके से ठीक किया और कहीं ना कहीं उसको साबित भी किया। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक। थैंक यू, नमस्कार।